देश में आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर पार्टियों की सच्चाई कुछ और ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि भारत में करीब 1900 पार्टियां पंजीकृत हैं, लेकिन 400 से ज्यादा पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। निर्वाचन आयोग ने आशंका जाहिर की है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया जाता है, और इसी के मद्देनजर अब चुनाव आयोग ने ऐसी पार्टियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयोग ने ऐसी पार्टियों का नाम अपनी सूची से काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों के निर्वाचन आयोग के आयुक्तों से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों की सूची भेजने को कहा है, और इसके अलावा उनके चंदे की जानकारी भी मांगी गई है। नसीम जैदी का कहना है कि इन पार्टियों का नाम सूची से काट जाने पर ये आयकर में छूट पाने से अयोग्य हो जाएंगी, जिससे काले धन को सफेद करने के खेल पर लगाम लगेगी। तो काले धन को सफेद करने पर जुटी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अब मुख्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। जाहिर है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से इन पार्टियों पर गाज गिरना तय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग उन पार्टियों को मिलने वाले चंदे का विवरण भी मांगेगा जो चुनाव लड़ती हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।